और जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध डेयरी हटाने के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं कालीचरण सर्राफ। जयपुरिया हॉस्पिटल के पीछे वो धरना दे रहे हैं, तो इस वक्त की अहम खबर। और ये तस्वीरें आप देखिए, निगम के दस्ते की गाड़ियां भी जबरन रुकवा दी गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो कालीचरण सर्राफ देखिए किस तरह से धरने पर बैठ गए हैं। बंधी हुई गायों को ले जाना यह अन्याय है, और ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का निर्देश है कि आवारा पशुओं को हम ले जाएंगे, तो आवारा पशु नहीं है ये, इनके मालिक, और यदि इनको हटाना ही है देखने की व्यवस्था करें। अभी डेयरी जो जेडीए ने डेयरी के लिए जो प्लांट बनाया उसमें इनको किसी को भी प्लाट अलाट नहीं हुए हैं, और फिर वहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं, इस प्रकार से थोड़ी होता है। आनन फानन में आप यदि गायों को हटाएंगे तो गायें मरेगी, इस प्रकार की तानाशाही और अन्याय किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या जानकारी यहाँ पर जो कार्रवाई निगम की तरफ से करनी थी उसमें कुछ बातचीत के जरिए सुलह हो पाई है? जो गतिरोध था वो जैसा था शुरू में वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि कालीचरण सर्राफ का कहना है कि जब तक इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती वो इस तरह यहाँ से बसी हुई गायों को ले जाने नहीं देंगे। और नगर निगम की जो टीम है वो लगातार कह रही है कि ये जो डेयरियां हैं वो अवैध हैं, इनको यहाँ से ले जाना जरूरी है, क्योंकि पूरे शहर में एक अभियान नगर निगम ने इस तरह का चला रखा है। तो कोशिश हो रही है, कालीचरण सर्राफ ने सीईओ को और मेयर को भी फोन किया है, लेकिन उन दोनों ने उनका जो फोन है वो रिसीव नहीं किया है। तो थोड़ी बहुत देर में स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह ये जो गतिरोध है इसका समापन होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि शिवेंद्र, अगर इलीगल है तो फिर आप कैसे इसके पैरवी कर सकते हैं? ये तो सवाल उठ ही रहे हैं कि आप एक पूर्व मंत्री हो, इतने वरिष्ठ विधायक रहे हैं आप जयपुर में, उसके बावजूद आप एक इस तरह की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, जो कार्रवाई नगर निगम शहर के हित में कर रहा है, शहर के लोगों को सुविधाएं देने के लिए कर रहा है, जो कि जितनी अवैध डेयरियां शहर में संचालित होती हैं इनके जो पशु हैं उनसे हमने कई बार देखा है कि विदेशी टूरिस्टों पर भी हमला होता है, लोगों को परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो कालीचरण सर्राफ पे भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव का मौसम है, राजनीतिक समय है, तो कालीचरण सर्राफ भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल फायदा इस पूरे मामले को उठा लिया जाए। अच्छा, इस पर विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है क्या अब तक? देखिए, कांग्रेस से तो अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसे संकेत जरूर दिए हैं कि वो अगर कालीचरण सर्राफ नहीं मानते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज करें। अच्छा, पुलिस मुकदमा दर्ज होगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के तहत ये सियासत चमकाने की कोशिश है। शिवेंद्र, क्या माना जाए कि पिछला जो चुनाव जीते थे कालीचरण सर्राफ, बहुत ज्यादा मतों के अंतर से नहीं जीते थे, तो जनाधार बढ़ाने की और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी दावेदारी ठोकने की ये कोशिश है क्या इसके जरिए? जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में उनको किस तरह फायदा हो इसीलिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि एक सभ्य समाज में, खासकर जयपुर शहर, जयपुर जैसे शहर में इस कार्रवाई के विरोध को कोई सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इस कार्रवाई के विरोध का कोई मतलब नहीं है। पूरे शहर में इस तरह की कार्रवाई हो रही है और अवैध डेयरियां रखना तो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, वो करना ही नहीं चाहिए। तो कालीचरण सर्राफ पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो गतिरोध है वो बना हुआ है और ये देखना होगा कि जो गतिरोध है। अच्छा, ये पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर नगर निगम कोई काम करना चाहता है तो सरकारी काम में अड़चन डालने की कोशिश अगर कोई भी करता है, कोई भी हो वो, चाहे विधायक ही क्यों ना हो, वो गलत है, तो यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई भी बनती है। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी है वो तो फिलहाल समझाने का ही कोशिश कर रहे हैं कालीचरण सर्राफ को, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कालीचरण सर्राफ बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और अगर किसी तरह की जोर जबरदस्ती वहाँ पर हुई तो माहौल बिगड़ सकता है, और नगर निगम भी बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से माहौल खराब हो चुनाव के समय में। तो अभी जो दोनों तीनों पक्षों की तरफ से कोशिश है वो यही है कि सहमति बनाकर इस पूरे जो हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर चल रहा है इसको खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे शिवेंद्र।